पूरे अध्याय में हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिन्हें हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, पारिभाषिक शब्द बोलते हैं, जिनको जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा ताकि हम अपने आगे आने वाले अध्यायों में जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे, तो हमको कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो किन किन शब्दों का प्रयोग हम इस पूरे बुक में, इस पूरे अध्याय में हम करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्यवसाय, क्योंकि हम कॉमर्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी करेंगे हम, तो इसका सीधा सीधा जो रिलेशन होता है वो होता है व्यवसाय से। व्यवसाय यानी एक ऐसा व्यवहार जिसमें वस्तु के क्रेता विक्रेता होते हैं, वो माल का क्रय विक्रय करते हैं या सेवाओं का क्रय विक्रय वो करते हैं, और बदले में वो लाभ प्राप्त करते हैं, यानी कि इनका एक मुख्य उद्देश्य जो होता है वो लाभ प्राप्त करना होता है। व्यवसाय के बाद जो दूसरी पारिभाषिक शब्दावली यहाँ पर आएगी वो होगी व्यवसाय का स्वामी। तो कौन होता है व्यवसाय का स्वामी? प्रकृति पर निर्भर करता है कि व्यवसाय का स्वामी कौन होगा। एकल व्यवसाय अगर है तो वहाँ पर केवल एक व्यक्ति ही व्यवसाय का स्वामी होता है। साझेदारी व्यवसाय है तो जितने साझेदार हैं वो सभी व्यवसाय के स्वामी होते हैं। इसी तरह अगर कंपनी व्यवसाय है तो जिस हिस्से तक उन्होंने अपने शेयर लगाए हैं कंपनी में, उस हिस्से तक उनका जो स्वामित्व है कंपनी में वो बना रहता है। यानी व्यवसाय का स्वामी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाई है, धन लगाई है, और बदले में वो लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से उस कार्य को करना चाहता है। तीसरा हम जाने कि माल क्या होता है। गुड्स यानी एक ऐसी वस्तु जिसका उत्पादन किया गया है उस व्यवसायिक क्रिया में पुनः विक्रय के लिए, फिर से बेचने के लिए। जैसे किसी वस्तु का रूप परिवर्तन करके उसका हम प्रोडक्शन करके उसको उपयोगी बनाते हैं, और हम क्यों उसका रूप परिवर्तन किया, हमने क्यों उपयोगी बनाया, ताकि हम उसको मार्केट में बेच सकें, तो वो वस्तु हमारे लिए कहलाती है माल यानी कि गुड्स। अगला हम यहाँ पर देखते हैं पूंजी। पूंजी यानी किसी भी व्यक्ति के बचत का वो हिस्सा जो वो इसलिए बचत करता है ताकि वो किसी व्यापार में, व्यवसाय में उसको विनियोजित कर सके और वो अपनी इस बचत से और अधिक लाभ प्राप्त कर सके। अगला यहाँ पर आता है आहरण। हमने देखा कि व्यवसाय का जो स्वामी होता है और जो व्यवसाय होता है, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से अलग अलग होता है, पृथक पृथक होता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यवसाय का स्वामी है वो क्योंकि व्यवसाय का स्वामी है इसलिए जब मन करेगा व्यवसाय से पैसा निकाल लेगा, जब मन करेगा व्यवसाय से माल निकाल लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवसाय अलग है और व्यवसाय का जो स्वामी है वो अलग है, दोनों का अपना एक पृथक अस्तित्व है। अब ऐसी दशा में अगर व्यवसाय का जो स्वामी है वो व्यवसाय से अगर किसी प्रकार का कोई माल या पैसा अपने निजी प्रयोग के लिए निकालता है, तो वो उसके निजी प्रयोग के लिए निकाला गया जो माल या पैसा होता है वो कहलाता है आहरण। अगला पॉइंट जो आपके आता है वो है क्रय, यानी सीधे शब्दों में खरीदना। जब किसी व्यापारी के द्वारा कोई जो दूसरा पक्षकार होता है वो एक पक्षकार द्वारा उत्पादित माल को खरीद लेता है, तो वो कहलाता है क्रय करना। और इसका जस्ट अपोजिट होता है अगला बिंदु, क्रय वापसी। यानी खरीदा गया माल अगर जो क्रेता होता है, जो व्यक्ति माल क्रय करता है वो क्रेता कहलाता है, और ये जो क्रय किया गया माल अगर वापस कर देता है, परचेस जो किया है उसने माल को, उसको वापस कर देता है वो क्रेता, तो वो कहलाता है क्रय वापसी यानी परचेस रिटर्न। इसके कई कारण हो सकते हैं, आगे आने वाले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे क्या क्या कारण होते हैं, किन कारणों से एक जो क्रेता होता है वो माल को वापस कर देता है। इसी तरह अगला बिंदु जो आता है वो होता है विक्रय, यानी बेचना, माल बेचना, सेल करना। एक उत्पादक का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो अपनी वस्तुओं का उत्पादन करे और उसके बाद उसका विक्रय करे यानी कि बेच दे। अब अगर बेचा गया माल वापस आ जाता है, यानी जिसको भी विक्रय किया गया है वो वापस अगर कर देता है, तो ये कहलाएगा विक्रय वापसी यानी कि सेल्स रिटर्न। अगला यहाँ पर जो बिंदु आता है वो कहलाता है लेन देन या व्यवहार, यानी जिसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स। अब ये जो लेन देन व्यवहार होते हैं ये रोकड़ के माध्यम से, बैंक के माध्यम से नगद लेन देन हो सकते हैं, उधार लेन देन हो सकते हैं, लेकिन जब भी व्यापार में कोई व्यवहार किया गया, कोई लेन देन किया गया, ये सारे जो व्यवहार होते हैं वो ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं, व्यवहार कहलाते हैं।
अगला जो बिंदु यहाँ पर आता है वो है ऋणी या देनदार, एक ऐसा व्यक्ति जिससे जो व्यापार का स्वामी है उसको आगे चल के कुछ पैसे लेने होते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए कि व्यापार का जो स्वामी है वो किसी व्यक्ति को कुछ उधार माल बेचा था या कहीं से उसके ऊपर कुछ ड्यू बन रही है। एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर ये समझते हैं कि ए एक व्यवसायी है, इसने कुछ समय पहले बी को 10,000 रुपये का माल बेचा था। अब ये बी जो है वो इस ए के लिए कहलाएगा देनदार, क्योंकि ये इसके लिए देनदार है। भविष्य में इससे इसको जो बी है उससे ए को पैसा मिलना है, यानी कि ये ए की संपत्ति है, वो संपत्ति के रूप में उसकी एंट्री करेगा और ये जो बी है वो ए के लिए देनदार कहलाएगा। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यापार के स्वामी को जो प्राप्त होने वाली राशि है, जिस व्यक्ति से वो राशि प्राप्त होगी वो उसके लिए देनदार कहलाएगा। इसका जस्ट अपोजिट, सीधा अगर ठीक उल्टा हम कहें तो वो कहलाता है लेनदार। अब लेनदार यानी कि एक प्रकार का दायित्व, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको व्यापार के स्वामी को आगे चलकर कुछ पैसों का भुगतान करना है, तो वो व्यक्ति जो है वो इस व्यापार के स्वामी के लिए लेनदार कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए जो है वो बी से 10,000 रुपये का उधार माल खरीदता है। ए व्यवसायी बी व्यवसायी से 10,000 रुपये का उधार माल खरीदता है, तो यहाँ पर ये उत्तरदायित्व बन गया ए का कि भविष्य में वो बी को 10,000 रुपये पेमेंट करेगा। यानी यहाँ पर ए का उत्तरदायित्व बन रहा है और किसके प्रति बन रहा है, बी के प्रति। तो वो जो बी है वो इस ए व्यक्ति के लिए, ए व्यवसायी के लिए लेनदार कहलाएगा। ठीक इसी तरह अगला जो बिंदु आता है वो कहलाता है ऋण यानी कि लोन। जो उद्यमी होते हैं, व्यवसायी होते हैं, वास्तव में सबसे पहले वो अपनी स्वयं की पूंजी व्यवसाय में लगाते हैं, लेकिन अगर व्यवसाय तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है लगातार, और अगर वो व्यवसाय को अपने बढ़ाना चाहे तो कई बार उसको बाहर कई संस्थाओं से ऋण भी लेना पड़ता है। तो ये जो ऋण होता है ये कंपनी के लिए एक उत्तरदायित्व तो हो जाता है। इस ऋण पर कुछ ब्याज के साथ इस ऋण को समय के साथ या जो भी समय निश्चित किया गया है उसको, उस पर इस ऋण को वापस करना जो फर्म का जो स्वामी होता है, फर्म जो होती है उसका उत्तरदायित्व बनता है। इसी तरह अगला जो पॉइंट यहाँ पर आता है, अगली जो पारिभाषिक शब्दावली हम यूज़ करेंगे वो होगी प्रविष्टि। जनरल बोलचाल की भाषा में हम उसको बोलते हैं एंट्री करना, जिसे आगे आने वाले अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो हम बार बार इस बात को रिपीट करेंगे कि इसकी एंट्री हम ये करते हैं। तो क्या होता है एंट्री? एंट्री यानी कि जो लेन देन हमने व्यवहार में किया उसको कहीं ना कहीं लिख देना या प्रविष्ट कर देना ही कहलाएगा प्रविष्टि या एंट्री। ठीक इसी तरह एक शब्दावली आएगी संपत्ति। सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हमने सुना होगा, हम अपने घर परिवार में भी सुनते रहते हैं कि इतनी संपत्ति है। यहाँ पर जब हम व्यावसायिक दृष्टिकोण से, एक कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसका अध्ययन करते हैं हम, तो इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति। एक और संपत्ति को हम यहाँ पर जोड़ दें तो वो कहलाती है अमूर्त संपत्ति। अब यहाँ पर जो स्थायी संपत्तियाँ हैं वो पूरे फर्म की स्थायी संपत्तियाँ होती हैं, यानी कि एक बार उन पर खर्च अगर कर दिया जाए तो काफ़ी लंबे समय तक वो संपत्तियाँ लाभ देते रहती हैं, काफ़ी महंगी होती हैं, या कभी कभी उन्हें हम पूंजीगत संपत्ति भी कहते हैं। जैसे हमारे फर्म की अगर कोई बिल्डिंग है, भवन है, मकान दुकान है, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जो अदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो परिवहन के जो माल को लाने ले जाने के लिए जिन मोटर व्हीकल्स का प्रयोग किया जाता है, ये सब चीज़ें जो होती है वो एक फॉर्म में स्थायी संपत्ति के रूप में प्रविष्ट की जाती हैं। चालू संपत्ति की हम बात करें तो इनके अंतर्गत हम जो कच्चा माल, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि वो बिकने योग्य नहीं रहता है, रॉ मटेरियल हो सकता है रोकड़ या बैंक में जो बैंक बैलेंस है, कैश जो बैलेंस है, वो बैलेंस इसके अंतर्गत शामिल हो सकता है।
अमूर्त संपत्तियों की अगर हम बात करें तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अमूर्त है, दिखाई नहीं देती लेकिन है संपत्ति, जैसे कि व्यवसाय की ख्याति या गुडविल यानी व्यवसाय की प्रसिद्धि, इसका भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसकी भी अपनी एक वैल्यूएशन होती है जो हम आगे आने वाले अध्याय में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये ख्याति जो होती है वो अमूर्त संपत्ति के रूप में प्रविष्ट की जाती है। संपत्तियों की तरह अगला जो बिंदु आता है वो होता है दायित्व। दायित्व को भी अगर हम बहुत अच्छे से विश्लेषण करके इसको पढ़ें तो इसको हम दो भागों में बांट देंगे, दीर्घकालीन दायित्व और चालू दायित्व। दीर्घकालीन दायित्व जो काफ़ी लंबे समय के लिए हम ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, उन सभी दायित्वों को इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। और चालू दायित्व जो होते हैं वो व्यवसाय के सामान्य संचालन में जो दायित्व उत्पन्न होते हैं, जैसे कुछ क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे अभी हमने जाना क्रेडिटर होते हैं, लेनदार, बिल्स पेबल होते हैं, कुछ छोटे मोटे लोन होते हैं, ऋण होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो चालू दायित्व के अंतर्गत आती हैं। अगला जो बिंदु हम यहाँ पर देखेंगे वो होता है व्यय। अब क्योंकि हम व्यापार व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो आय व लाभ हानि की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर व्यय जो होगा उसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, एक होगा आगमगत व्यय और दूसरा होगा पूंजीगत व्यय। आगमगत व्यय मतलब वो छोटे मोटे व्यय जो सामान्य व्यापार संचालन के लिए लगातार करने पड़ते हैं, जैसे निरंतर चलते रहते हैं। जैसे कहा जाए कि संगठनकर्ता को वेतन देना है, पारिश्रमिक देना है, मजदूरी देनी है, जो प्रबंधक है उसको वेतन देना है, कमीशन देना है, ब्याज देना है, तो ये लगातार ये जो खर्च है वो होते रहते हैं, आगमगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। पूंजीगत व्यय की अगर हम बात करें तो ये कुछ बड़े व्यय होते हैं जिन पर एक बार अगर हम खर्च कर दें तो काफ़ी लंबे समय तक इनसे हमको लाभ प्राप्त होता रहता है। जैसे हम स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए जो व्यय करते हैं, भवन, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खरीद लेते हैं, प्लांट खरीद लेते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरियाँ खरीद लेते हैं, कोई बड़ा मोटर व्हीकल खरीद लेते हैं, तो ये जो बड़े बड़े खर्च हम करते हैं जिन पर हम एक बार खर्च कर लें तो लंबे समय तक उसका लाभ हमको प्राप्त होता रहता है, तो ये जो खर्च होते हैं वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो कहलाता है प्रमाणक, यानी प्रमाण के लिए किसी चीज़ को किसी निश्चित स्थान पर लिख देना। जैसे हमने बात की कि बिल देते हैं हम, रसीद देते हैं जिसे हम कैश मेमो बोलते हैं, या फिर कोई माल अगर भेजा गया तो साथ में बीजक बना के भेज देना, तो ये प्रमाण के रूप में लेखांकन में प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्रमाणक या वाउचर्स। अगला जो यहाँ पर पॉइंट आपको सुनने को मिलेगा इस पूरे बुक में जब हम एंट्रीज करेंगे वो होगा दिवालिया, इंसॉल्वेंट। हम अपने बोलचाल की भाषा में भी कई बार सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति दिवालिया हो गया। हम बोलचाल की भाषा में कई बार बात करते हैं कि उसका तो दिवाला निकल गया, तो हमको ऐसे लगता तो है कि कुछ गलत हो गया, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या? इसको हम अगर कॉमर्स के दृष्टिकोण से देखें तो दिवालिया हो गया मतलब कि उसकी जो संपत्ति थी वो दायित्वों से कम हो गई, या कहा जाए तो दायित्व अधिक और संपत्तियाँ कम हो गई। अब ऐसी कंडीशन में व्यवसाय चला पाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। अगर हम उसकी पूरी संपत्ति को बेच भी दें तो भी उसके दायित्वों का, यानी उसके ऊपर इतना कर्ज लद गया है कि पूरी संपत्ति अगर बेच भी देता है तो भी उसके दायित्वों का भुगतान हो पाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि दिवालिया हो गया। अगला जो बिंदु हमको देखने को सुनने को मिलेगा वो होगा डूबत ऋण। ऋण दिया था, ये एक्सपेक्टेशन थी, जिसको हमने ऋण दिया है वो हमारा देनदार बन गया है, डेटर्स बन गया है, हमको उम्मीद थी कि भविष्य में वो उस पैसे को हमको दे देगा, लेकिन नहीं दिया, डूब गया। सामान्य बोलचाल की भाषा में भी आप सुनते होंगे मेरा 10,000 वहाँ डूब गया, मेरा 20,000 वहाँ डूब गया। पानी में नहीं डूबता है वो पैसा, कहाँ डूबता है? मिलना था लेकिन नहीं मिला, यानी कि वो डूब गया। उसी को हम यहाँ पर कॉमर्स के लैंग्वेज में कहते हैं डूबत ऋण। मिलना चाहिए था, हमने एक्सपेक्ट किया था मिलना था लेकिन नहीं मिला, यानी डूब गया। तो यहाँ पर जब हम डूबत ऋण की बात करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि जो हमारे देनदार थे उनमें से कुछ डूबत ऋण हो गए, यानी कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमारे कुछ देनदार थे, जैसे मान लो हमको ए से लेना था 5,000, बी से लेना था 3,000, सी से लेना था 2,000। अब यहाँ पर सी जो है, ये तीनों हमारे देनदार हैं क्योंकि हमको लेना है इनसे, है ना। अब यहाँ पर सी जो है वो 2,000 उससे लेना था लेकिन दो तीन बार मांगने के बाद भी वो पैसा नहीं दिया,
और कहीं से पता चला कि वो दिवालिया भी हो गया, वो दे भी नहीं सकता, तो हमने मान लिया कि वो डूबत ऋण, अब वो पैसा हमको वापस नहीं मिलेगा, तो हम इसकी एंट्री कर देंगे डूबत ऋण के अंतर्गत, और ये एक प्रकार की हानि है, और हम यहाँ पर देनदारों में से इतने के देनदार, 2000 के देनदार हमारे कम हो गए ऐसा मान लेंगे। अगला जो बिंदु हमको यहाँ पर, अगली जो बात हमको सुनने को मिलेगी वो है कमीशन। कमीशन भी हम अपने आम बोलचाल की भाषा में कमीशन शब्द का काफ़ी प्रयोग करते हैं। जब हम बचपन में दुकान जाते थे तो अगर हम अपने पेरेंट्स से 5-10 रुपया लेकर जाते थे तो 50 पैसे की 1 रुपये की 2 रुपये की चॉकलेट ज़रूर खा लेते थे और बोलते थे वो मेरा कमीशन है, क्योंकि हम आपका सामान लेने गए थे, ये काम हमने किया, कमीशन है। वैसे ही व्यवसाय में कुछ व्यक्ति जिनकी नियुक्ति की जाती है या तो विक्रय बढ़ाने के लिए या प्रबंधकीय कार्य करने के लिए, अन्य किसी दृष्टिकोण से जो व्यवसाय के हित में हो, और बदले में उनको जो प्रतिफल दिया जाता है वो कहलाता है कमीशन। अगला जो हमारा बिंदु होगा वो होगा हमारा आगम, यानी कि हमारी प्राप्ति, कहाँ कहाँ से हमको आय प्राप्त हुई, देनदारों से प्राप्त हुई, माल को बेचने से प्राप्त हुई, कोई पुराना ऋण था वहाँ से आया, जहाँ से भी पैसा हमारे पास आता है वो सारी प्राप्तियों को हम कहते हैं आगम। अगला बिंदु जो हमको सुनने को मिलेगा वो होगा खाता। अब खाता जो है वो तो पूरे व्यवसाय में, पूरे अकाउंटेंसी में, जब तक ये पूरी बुक क्लोज नहीं हो जाती तब तक चलते रहेगा खाता खाता और खाता। अकाउंटेंसी का इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे सब्जेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो खातों का निर्माण करना ही है। तो खाते क्या होते हैं? खाते एक प्रकार के प्रारूप होते हैं, जिन प्रारूप के अंतर्गत कुछ निश्चित नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए हम जो व्यवहार होते हैं उनकी प्रविष्टि उनके अंतर्गत करते हैं। अगला जो बिंदु यहाँ पर हमको सुनने को मिलेगा वो होगा अंतिम स्टॉक। अंतिम स्टॉक के बारे में यहाँ पहले भी हमने जाना है कि अंतिम स्टॉक क्या होता है। इससे पहले भी हमने देखा था कि वर्ष के अंत में जब हम 1 अप्रैल को अपनी बुक स्टार्ट करते हैं, खाता जब स्टार्ट करते हैं, तो 31 मार्च को हम उसको क्लोज भी करते हैं। तो 31 मार्च को जब हम क्लोज करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि हमने जिन वस्तुओं का उत्पादन किया है उसमें से कितनी वस्तुएँ बिक गई और कितनी बच गई। तो जो वस्तुएं 31 मार्च तक बची रह जाती हैं बिकने से वो कहलाती हैं क्लोजिंग स्टॉक। आइए एक एग्जांपल के तौर पे इसको और अधिक अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए ए लिमिटेड एक ऐसी फर्म है जिसका काम होता है वाटर फिल्टर बनाना। इसने पूरे साल में 1 अप्रैल 2018 से अपने खातों को स्टार्ट करता है वो, और 31 मार्च 2019 को क्लोज करता है। इस पूरे कार्यकाल के दौरान इसने 10,000 वाटर फिल्टर का निर्माण किया और साल भर विक्रय करने के बाद इसके पास 1,000 वाटर फिल्टर जो है वो बिकने से रह गए, बाकी 9,000 वाटर फिल्टर ये बेच चुका है। अब 1,000 फिल्टर जो बिकने से रह गया किस डेट पे? 31 मार्च को, जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज की गई, बंद की गई, तो वहाँ पर बिकने से जो रह गया वो कहलाएगा इसका क्लोजिंग स्टॉक या फिर अंतिम स्कंध। अगला बिंदु जब हम यहाँ पर देखेंगे वो होगा जीवित स्टॉक। कई बार हम ऐसे स्टॉक, ऐसे स्कंध का प्रयोग भी करते हैं जो जीवित होते हैं, जिनको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। जैसे कई बार हम घोड़े गाड़ी के लिए जब व्यवसाय में जरूरत पड़ती है उनका प्रयोग जब हम करते हैं तो वो जीवित स्टॉक के अंतर्गत आते हैं। वैसे कुछ स्टॉक को हम कहते हैं मृत स्टॉक, यानी होते हुए भी व्यापार में हम उनका कोई प्रयोग नहीं करते, पूरी व्यवसायिक क्रिया के दौरान उसका हम कोई प्रयोग नहीं करते और वो जो स्टॉक होते हैं वो मृत स्टॉक के अंतर्गत आते हैं। अब अगला जो बिंदु हम देखेंगे सुनने में हमको आएगा वो होगा बट्टा या छूट। दिवाली के टाइम या त्यौहार के टाइम हम कई बार देखते हैं जब मार्केट जाते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे होते हैं, छूट 50% की छूट, सेल। तो क्यों व्यवसायी ये सेल, बट्टा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है या क्यों आपको वो ऑफर करता है? ताकि वो अपने व्यापार में वृद्धि कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच सके। ये जो छूट है वही छूट बट्टा कहलाती है, डिस्काउंट कहलाता है, लेकिन यहाँ पर इस बट्टा या डिस्काउंट को दो भागों में बांट कर हम अध्ययन करेंगे। इसे हम बांट देंगे व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा। तो
तो व्यापारिक बट्टा जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करना या ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना। और दूसरा नगद बट्टा जो होता है उसका काम होता है कि नगद विक्रय को प्रोत्साहित करना। एक्चुअली व्यापारिक बट्टा जो है वो नगद और उधार दोनों ही क्रय विक्रय पर वो दिया जाता है, लेकिन नगद बट्टा जो है वो सिर्फ नगद जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, नगद व्यवहार होते हैं उस पर दिया जाता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि नगद व्यवहार जो है उनको बढ़ावा दिया जाए। काफ़ी लाभ होता है जब उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है तो वो चाहता है कि वो जो वस्तु है वो उसे एक निश्चित या समुचित कीमत पर मिले। जो उत्पादक है वो बहुत ज़्यादा लाभ उस पर ना कमाए, यानी कहना चाहिए कि रिजनेबल रेट में उस वस्तु को वो प्राप्त कर पाए और उसका उपभोग कर पाए। तो क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि उत्पादक बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहा है उत्पादक उपभोक्ताओं तक उसको पहुंचाने में, तो इन सब चीज़ों में यहाँ पर जो मतभेद उत्पन्न होते हैं वहाँ के होते हैं। अब इन लेखांकन सिद्धांतों के काफ़ी महत्व तो है प्रत्येक वर्ग के लिए, लेकिन कुछ सावधानियों का पालन यहाँ करना पड़ता है। अगर इन सावधानियों का पालन ना किया जाए तो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत महत्वहीन हो जाते हैं। आइए देखते हैं किन किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इनका पालन किया जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ ये आती है कि व्यापार का स्वभाव के अनुसार इन लेखांकन सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए। व्यापार का स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति की? इसी तरह जब हम लेखांकन के कार्य में आगे बढ़ेंगे तो एक और शब्दावली जो हमारे सामने आएगी वो होगी लेखांकन समीकरण। ये जो लेखांकन के सिद्धांत है वो अपनाए जाने चाहिए। दूसरी एक सावधानी हमको ये रखनी चाहिए कि सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए। तीसरी जो सावधानी की बात आती है वो आती है कि बही खाते में जो हम लेखांकन करते हैं वो त्रुटि। वास्तव में जब हम लेखांकन का कार्य करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेखों के अंतर्गत जब खाते बनाते हैं तो हम वहाँ पर व्यापार खाता, लाभ हानि खाता या चिट्ठे के रूप में इन लेखांकनों को करते हैं। इन्हीं लेखांकन को जब हम समीकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो लेखांकन समीकरण कहलाता है। हमने देखा कि दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार के दो पक्षकार होते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में हमने एक जनरल प्रविष्टि की व्यापार प्रारंभ किया 5,000 रुपये से। यहाँ पर हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो रहा है, मतलब एक तरफ एसेट्स भी प्रभावित हो रही है और दूसरी तरफ संपत्ति भी प्रभावित हो रही है। तो इसको हम एक इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। जब हम इस तरह के इक्वेशन बनाते हैं तो हम संपत्ति यानी एसेट्स इक्वल टू दायित्व यानी लायबिलिटी लिखते हैं। और क्योंकि कैश अगर हम देखें तो वो हमारे लिए एसेट्स है और टू कैपिटल हम यहाँ पर प्रविष्टि कर रहे हैं, तो कैपिटल जो है वो लायबिलिटी है। और इस तरह से जो भी एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, सब व्यवहार जब इसमें जुड़ते जाते हैं हम इनको खातों के रूप में ना लिखकर कई बार इक्वेशन के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो लेखांकन समीकरण का निर्माण किस प्रकार किया जाता है इस पर विस्तृत रूप से हम अगले अध्यायों में जानेंगे। अगला जो बिंदु हमको देखने को मिलेगा वो होगा व्यय यानी एक्सपेंस। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम जानते हैं एक्सपेंस क्या होता है। कॉमर्स की भाषा में अगर हम इसको जानना चाहें तो किसी उद्योग व्यवसाय या व्यापार में जो भी व्यय किए जाते हैं, जो खर्च किए जाते हैं, वो सारे व्यय हैं, जिसे हम आगमगत और पूंजीगत व्यय में अलग अलग बांट कर लिखते हैं। तो अगर हम बात करें पूंजीगत व्यय की, तो पूंजीगत व्यय होते हैं जो स्थायी संपत्तियों पर किए जाते हैं, यानी इन पर किया जाने वाला व्यय काफ़ी बड़ा होता है, यानी एक बड़ी अमाउंट हमको इस पर खर्च करनी पड़ती है। और साधारण शब्दों में हम समझें तो कुछ ऐसी संपत्तियों पर हम व्यय करते हैं जिनसे लाभ जो है वो हमको कई वर्षों तक प्राप्त होता रहता है।
दूसरा, अगर हम आगमगत व्यय की बात करें तो हम देखते हैं कि जब हम सामान्य व्यापार संचालन के लिए बहुत छोटे छोटे व्यय करते हैं, जैसे वेतन दिया, मजदूरी दिया, कोई सामान हमने कच्चा माल मंगाया तो गाड़ी भाड़ा दिया, विक्रय के लिए, विज्ञापन के लिए हमने छोटे मोटे खर्च किए, यानी ये ऐसे खर्च होते हैं जो सामान्य व्यापार संचालन के लिए बार बार हमको करने पड़ते हैं, तो इस तरह के सभी व्यय जो होते हैं वो आगमगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। अब अगली बात अगर हम करें तो हम देखते हैं व्यय के जैसे दूसरा जो पॉइंट है वो हो जाएगा आय, यानी कि व्यापार में जो आय हुई, जो इनकम हुई, कुल मिलाकर हम इसको कह सकते हैं कि आय जो है वो आगम में से व्यय को घटाने के बाद जो शेष बच जाता है उसको हम आय के रूप में प्रयुक्त करते हैं, यानी हमको जो भी अर्निंग हुई है व्यवसाय में माल को बेचने से, उत्पाद को बेचने से, उसमें से हम माइनस कर दें कि उस उत्पादन को बनाने में, उत्पादन करने में या बेचने योग्य बनाने में, बाज़ार तक ले जाने में बहुत सारे जो व्यय होते हैं उनको हम इस आगम में से माइनस कर दें तो जो डिफरेंस बचता है वो हमारे लिए आय यानी कि इनकम कहलाता है। वैसे ही एक शब्द यहाँ पर हम देखेंगे हानि। सामान्य बोलचाल की भाषा में हानि से सभी लोग परिचित हैं, हानि यानी कि लॉस। अगर हम व्यवसायिक भाषा में इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि जो उत्पादन की लागत थी उसके बाद हम उस लागत में अपना लाभ जोड़कर उस उत्पाद को बाज़ार में बेचते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लागत से भी कम मूल्य पर हमको उसको बेचना पड़ता है, तो लागत से कम मूल्य पर जब विक्रय होता है या बहुत सारी ऐसी दशाएं बनती है व्यापार में जब सामान की लागत नहीं निकल पाती है तो वहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो हानि कहलाती है। लाभ की अगर हम बात करें तो इसके विपरीत होता है। जब हम लागत और विक्रय मूल्य में डिफरेंस देखते हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु को बनाने में लागत आई प्रति वस्तु 50 रुपये, लेकिन हमने उसका विक्रय किया लाभ जोड़ के यानी कि 60 रुपये में, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 रुपये लाभ कहलाएगा। ठीक इसी तरह हम देखते हैं प्राप्यताएँ, यानी कि जब हम देखते हैं हम माल बेचते हैं तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे देनदार बन जाते हैं। बिल्स पेबल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जब हम किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं और उधार माल बेचते हैं तो हम उसके एक बिल लिखकर वो व्यक्ति हमको देता है कि कुछ निश्चित समय के बाद वो उस राशि का भुगतान कर देगा। तो इस तरह के जो बिल होते हैं या जो हमारे देनदार होते हैं वो हमको कुछ समय के, निश्चित समय के पश्चात भुगतान करते हैं, तो वो जो भुगतान हमको प्राप्त होता है वो सभी जो प्राप्तियाँ होती हैं प्राप्यताएँ के अंतर्गत आती हैं। इसके ठीक विपरीत हम एक शब्द देखेंगे देयताएँ। इसी तरह हमने किसी से उधार माल खरीदा है या किसी से हमने कोई धनराशि ली है तो हमारा एक उत्तरदायित्व तो बनता है भविष्य में हम उसको उस धनराशि का भुगतान करेंगे, तो ये सभी भुगतान योग्य जो राशियां होती हैं वो देयताओं के अंतर्गत आती है। साथ ही यहाँ हम एक शब्द देखेंगे लागत, जिसके बारे में हमने अभी भी जाना। जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो हमने देखा कि उत्पादन के बहुत से साधन होते हैं, उन साधनों को हम उनका प्रतिफल देते हैं, तो वो जब सारे प्रतिफल होते हैं वो किसी वस्तु के उत्पादन में जुड़ते चले जाते हैं, तो केवल कच्चा माल ही नहीं बल्कि कच्चा माल लाने से लेकर उसको उत्पादित करने से लेकर फिर विक्रय योग्य बनाने से लेकर बाज़ार तक ले जाने के जितने भी खर्च होते हैं वो सभी खर्च उस वस्तु की लागत कहलाते हैं, यानी कि लागत में जुड़े हुए होते हैं। अगला एक शब्द जो हम देखेंगे वो होगा अस्थगित आगमगत व्यय। जैसे कि हमने आगमगत व्ययों के बारे में पढ़ा, उसी तरह से कुछ व्यय ऐसे होते हैं जब हम व्यय एक बार कर देते हैं लेकिन उनसे जो लाभ होता है वो हमको कई सालों तक प्राप्त होता रहता है। तो मान लीजिए एक ऐसा व्यय किया गया जिसका लाभ हमें 3 साल तक प्राप्त होता रहेगा, उस कंडीशन में हम उस पूरे व्यय की राशि को एक चालू वर्ष में ही नहीं लिख सकते क्योंकि लाभ तो उसको हमको 3 टुकड़ों में 3 वर्षों में प्राप्त हो रहा है, तो हम केवल 1 वर्ष का लाभ लिखते हैं और बाकी 2 वर्ष के लाभ को अलग कर देते हैं और आने वाले सालों में साल दर साल हम उसकी प्रविष्टि करते जाते हैं। तो इस तरह के जो व्यय होते हैं वो अस्थगित आगमगत व्यय कहलाते हैं।
इसी तरह एक बिंदु हम देखेंगे लेखा पुस्तकें। हम बार बार इस शब्द का प्रयोग करेंगे कि इन्हें लेखा पुस्तकों में लिखा गया, इन्हें लेखा पुस्तकों में लिखा जाए। तो क्या होती हैं ये लेखा पुस्तकें? जैसे हमने देखा अभी कि जनरल के लिए अलग पुस्तक बनाई जाती है, खाता बही के लिए अलग पुस्तक बनाई जाती है, बहुत सी क्रय बही, विक्रय बही, इस तरह की अलग अलग पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। ये सभी पुस्तकें लेखा पुस्तकों के अंतर्गत आती हैं। अब आइए एक नज़र डालें लेखा कर्म एवं पुस्तपालन के कुछ प्रणालियों पर। सबसे पहले अगर हम इसके प्रणाली की बात करें तो एक होता है नगद लेन देन या रोकड़ प्रणाली, यानी कि कैश सिस्टम। कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो प्रणाली है नगद लेन देन प्रणाली, ये गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। गैर व्यापारिक संस्थाएं, जैसे हम बात करते हैं अनाथ आश्रम की, वृद्धाश्रम की, किसी सामाजिक संस्थान की, पुस्तकालयों की, तो इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं उनका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होता है, व्यापारिक कार्य वो नहीं करती, इसलिए ये जो संस्थाएँ होती हैं ये गैर व्यापारिक संस्थाएँ कहलाती हैं। और इन संस्थाओं में जो लेखांकन किया जाता है वो नगद लेन देन यानी रोकड़ प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना पता लगाना होता है कि जो उनकी संस्था है उसमें रोकड़ की क्या स्थिति है, कितनी रोकड़ आई है, कितनी गई है, और वास्तव में अभी कितनी रोकड़ शेष बची है। इनका कहीं पर भी इनका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होता है, यानी यहाँ पर ऐसा कोई खाता नहीं बनाया जाता जिससे व्यापार के लाभ हानि की जानकारी हो, संपत्ति दायित्व की जानकारी हो, इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ, यहाँ पर क्योंकि आय व्यय का की जो जानकारी होती है वो रखना जरूरी होती है, इसलिए यहाँ पर आय व्यय खाते का निर्माण किया जाता है और उसके आधार पर रोकड़ खाते का निर्माण किया जाता है, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि रोकड़ की स्थिति वास्तव में क्या है। दूसरी हम प्रणाली की बात करें लेखांकन की, जो दूसरी प्रणाली है वो है इखरा लेखा प्रणाली, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम पर एक नज़र डालें इसे और अच्छे से समझने के लिए, तो हम देखते हैं कि ये जो प्रणाली होती है ये नगद लेन देन को रोकड़ पुस्तकों में लिखने के लिए होती है, यानी जो कैश ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनको हम कैश बुक में लिखते हैं। साथ ही यहाँ पर जो उधार लेन देन होते हैं उनको हम अलग से बहियों में लिख देते हैं, जैसे क्रय संबंधी जो उधार लेन देन है उनको क्रय बही में, विक्रय संबंधी जो उधार लेन देन है उनको विक्रय बही में, इस तरह से हम अलग अलग विभाजित करके लिख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनको प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो क्योंकि बहुत छोटे मोटे ट्रांजैक्शन इसमें किए जाते हैं तो छोटे जो व्यापारी होते हैं या जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो अपने जो दैनिक व्यवहार उन्होंने किए हैं अपने व्यापार में उनको याद रखने के लिए इस तरह की बहियों का प्रयोग करते हैं। साथ ही इसके बारे में भी देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि इकहरा लेखा प्रणाली से प्रविष्टियाँ की जाती है, केवल लेन देनों की जानकारियों को बहियों में अंकित कर दिया जाता है, इसलिए इनके आधार पर अगर हम प्रयास करें कि लाभ हानि खाता बनाकर लाभ हानि ज्ञात कर ले, या आर्थिक चिट्ठा बनाकर संपत्ति या दायित्व की स्थिति ज्ञात कर ले, तो शायद ये संभव नहीं हो पाता है। हाँ, एक कंडीशन में अगर हम इस इकहरा लेखा प्रणाली को डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली में अगर कन्वर्ट कर ले, चेंज कर ले इनकी प्रविष्टियों को, तो हम उनके आधार पर लाभ हानि खाता या चिट्ठा बना सकते हैं। अगली जो इसकी प्रणाली है वो है दोहरा लेखा प्रणाली, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले भी देख चुके हैं। दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम, हमने देखा था कि प्रत्येक व्यवहार के दो पक्षकार होते हैं, एक पाने वाला और दूसरा देने वाला, जिसे हम अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में डेबिट और क्रेडिट पक्षकार के रूप में प्रविष्टियां करते हैं। तो जब हम दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रविष्टियां करते हैं तो यहाँ हम जिन जनरल्स के लेखे करते हैं उनमें हम डेबिट और क्रेडिट के आधार पर किए गए व्यवहारों का लेखा करते हैं, और फिर जनरल के आधार पर हम खाता बही यानी कि लेजर का निर्माण करते हैं, और लेजर के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट का निर्माण करते हैं। अगली जो इसकी प्रणाली है वो है भारतीय बही खाता पद्धति। हालांकि सुनने में ये बहुत सामान्य सी पद्धति है, लेकिन अगर हम इनकी विशेषताओं को देखें तो कहीं ना कहीं ये व्यवहारिक और साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति भी है, और प्राचीन पद्धति होने के बावजूद भी इसका महत्व वर्तमान की बहुत सारी लेखा पद्धतियों की तरह ही है।
जब हम भारतीय लेखा प्रणाली की बात करते हैं तो इसकी एक विशेषता ये भी देखने में आती है कि यहाँ पर व्यवहारों की जो प्रविष्टियाँ की जाती है उनमें स्पष्टीकरण बहुत अधिक होता है, बहुत अच्छे से हम उसको स्पष्ट करके लिखते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस है, व्यवहार है, वो किसके द्वारा किस तरह से किए गए हैं, किस डेट पर किए गए हैं, या अगर क्रय वापसी या विक्रय वापसी से संबंधित कोई ट्रांजैक्शन है तो उसका कारण क्या था, तो बहुत डिटेल में हम इसके अंतर्गत ये सारे व्यवहार को मेंशन करके लिखते हैं। तो ये तो थी लेखांकन की प्रणालियाँ। अब अगर हम बात करें कि ये जो लेखांकन है उनके प्रकार क्या हैं या फिर उनकी शाखाएँ कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी एक जो सबसे पहली और प्रमुख शाखा है वो है वित्तीय लेखांकन, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। एक ऐसा लेखांकन, ऐसी लेखांकन की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत चाहे वो प्रत्यक्ष आय व्यय हो, चाहे अप्रत्यक्ष आय व्यय हो या संपत्ति दायित्व, सभी का समावेश वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ हम व्यापार खाता भी बनाते हैं, लाभ हानि खाता भी बनाते हैं और उनके आधार पर दिए गए समायोजनों के आधार पर हम आर्थिक चिट्ठे का निर्माण करते हैं। यानी कि वास्तव में यहाँ पर ही हम अंतिम खाते बनाते हैं, जब हम वित्तीय लेखांकन करते हैं तो यहाँ पर ही हम एक चिट्ठा या जिसको हम अंतिम लेखे बोलते हैं बनाते हैं, और उसके आधार पर ओवरऑल पूरा अभी तक हमारे जो उद्देश्य था कि लाभ हानि या व्यापार की स्थिति या संपत्ति और दायित्व की स्थिति ज्ञात करना, तो इन्हीं वित्तीय लेखों के माध्यम से हम वो कार्य कर पाते हैं। तो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण लेखांकन का प्रकार है वित्तीय लेखांकन। अगला जो इसका प्रकार है वो है लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटेंसी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लागत जो है वो इस संपूर्ण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि लागत के आधार पर हम किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निर्धारित करते हैं। क्योंकि प्रत्येक जो उद्यमी होता है वो देखता है कि उसकी वस्तु को बनाने में वास्तव में प्रति इकाई लागत कितनी आई है, और फिर वो उसमें अपने लाभ को जोड़ता है और लागत प्लस लाभ के आधार पर फिर वो वस्तु का विक्रय मूल्य निर्धारित करता है। तो ये जो लागत होती है इनमें कच्चे माल को ख़रीदने से लेकर परिवहन व्यय से लेकर निर्मित करने में जो लागत आई है और उस प्रोडक्ट को बाज़ार तक पहुंचाने, उसको विक्रय योग्य बनाने यानी कि एडवर्टाइजमेंट से संबंधित जो कॉस्ट होती है वो सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई होती है। तो इन सभी चीज़ों का लेखा करने के लिए जो अकाउंटेंसी की जाती है उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग या लागत लेखांकन कहते हैं। अगला जो इसका प्रकार है वो है प्रबंध लेखांकन। हम देखते हैं कि प्रबंधकीय कार्य जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एक व्यवसाय में, या कहा जाए कि आधारशिला होती है किसी भी व्यापार की जो प्रबंधकीय कार्य होते हैं, क्योंकि उन्हीं के अंतर्गत जो नियोजन का कार्य होता है, योजनाओं के निर्माण का जो कार्य होता है कि किस तरह से उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, किस तरह से बाज़ार की खोज करनी है, विक्रय मूल्यों का निर्धारण करना है, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है वो प्रबंधन के अंतर्गत होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रबंधकीय लेखे जब हम बनाते हैं तो मैनेजरियल कॉस्टिंग हम करते हैं, और ये देखते हैं कि अकाउंटेंसी के जो पूरे उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसमें मैनेजमेंट को वहाँ पर मैनेजमेंट का लेखा किस प्रकार से किया जाए, ये सारी चीज़ें हम मैनेजरियल अकाउंटेंसी यानी प्रबंधकीय लेखांकन के अंतर्गत देखते हैं। अगला जो प्रकार आएगा वो है कर लेखांकन। जब हम किसी उत्पादन कार्य को आरंभ करते हैं तो वहाँ पर हमको बहुत से करों का को देना होता है, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर और उत्पादन संबंधी बहुत से कर होते हैं जिनका के भुगतान हमको करना होता है। तो बहुत एक सुटेबल एक प्रक्रिया चले और बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकें कि पूरे वर्ष भर जो भी उत्पादन हुआ है उस पर अलग अलग प्रकार के जो कर होते हैं वो किस मात्रा में कितनी राशियों में दे होंगे, इनके लिए अलग से एक टैक्सेशन अकाउंटिंग यानी कर लेखांकन का निर्माण किया जाता है। अगला जो पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे वो है सरकारी लेखे। वास्तव में ये जो सरकारी लेखे होते हैं इखरा लेखा प्रणाली की ज़्यादा हेल्प इसमें ली जाती है,
और सरकारी दफ्तर जो होते हैं ज़्यादातर नगर निगम और उससे संबंधित जो कार्यालय होते हैं उन कार्यालयों में इस प्रकार के इकरा लेखा सिस्टम के आधार पर लेखे किए जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भी अपने आय व्यय को देखना कि कितना आय और कितना व्यय हुआ है, रोकड़ की राशि कितनी बची है, इन सब के आधार पर लेखांकन किए जाते हैं। तो ये जो लेखे होते हैं ये सरकारी लेखे या राजकीय लेखे भी कहलाते हैं। अगली जो हम इसमें पद्धति देखते हैं वो है सामाजिक लेखांकन। जैसे कि हमने देखा कि कुछ सामाजिक संस्थाएं होती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कार्य करना होता है, जिसके अंतर्गत हम उन संस्थानों को शामिल करते हैं जो गैर व्यापारिक संस्थानों के अंतर्गत आते हैं। तो वहां पर जिन लेखों का निर्माण किया जाता है उनका मुख्य जो आधार या मुख्य जो उद्देश्य होता है वो केवल रोकड़ की सिर्फ जानकारी प्राप्त करना होता है। वो ये कैलकुलेट नहीं करते कि लाभ हुई या हानि, क्योंकि वो वास्तव में गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं। तो ये संस्थाएं जिन अकाउंटेंसी जिनके आधार पर करती है उनको हम सामाजिक लेखांकन के अंतर्गत लाते हैं। अगली जो अकाउंटिंग होती है वो होती है मुद्रास्फीति लेखांकन। मुद्रास्फीति लेखांकन का जन्म वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, जबकि हमने देखा कि जो वस्तुएं थी किसी भी युद्ध के बाद इस तरह की स्थिति निर्मित हो जाती है कि वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो एकाएक बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं मूल्य नियंत्रण के लिए या लोगों को मूलभूत सुविधाएं सुलभ कराने के लिए इस तरह के अकाउंटेंसी का जन्म हुआ, जिसे हम मुद्रास्फीति लेखांकन के अंतर्गत लाते हैं। अगली जो इसकी प्रक्रिया है वो है मानव संसाधन लेखांकन। जिस तरह से किसी व्यवसाय में हम कच्चे माल का लेखांकन करते हैं, उसकी कॉस्टिंग का लेखांकन हम करते हैं, उसी तरह अगर हम देखें तो मानव जो है या मानवीय संसाधन से हम जिनको संबंधित करते हैं ये एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जब हम प्रबंध की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मानव माल और मशीन की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि मानव जो है एक महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसके अभाव में कोई भी उत्पादन कार्य या कोई भी औद्योगिक प्रक्रिया पूर्ण रूप से सही ढंग से संचालित या हम कहें तो संचालित की ही नहीं जा सकती। तो मानवीय संसाधन को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हुए किसी भी व्यवसाय में, उद्योग में, व्यापार में क्या स्थिति है मानवीय संसाधनों की, यानी कि कर्मचारियों की, कितने कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारियों को नियुक्त करना है, उनका वेतनमान क्या होगा, इस तरह की तमाम जो लेखांकन प्रक्रियाएं होती है वो इसके अंतर्गत आती है। बहुत आसान शब्दों में आपने सुना होगा HR, जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि किसी भी उद्योग व्यवसाय में आप देखते होंगे कि एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं HR डिपार्टमेंट। तो ये वही डिपार्टमेंट होता है जो मानव संसाधन विभाग कहलाता है, और इसके लिए जो अकाउंटिंग की जाती है वो सारी जो अकाउंटिंग होती है वो मानव संसाधन लेखांकन के अंतर्गत आती है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार जब हम अकाउंटिंग करेंगे आगे के प्रोसेस में जब हम चलेंगे और क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे तो कौन कौन से शब्दों को हमको सुनने में मिलेगा, तो कौन कौन से शब्दावलियों का प्रयोग हम करेंगे और उन शब्दों के वास्तव में अर्थ क्या होंगे और उनके अर्थों को जानकर समझकर फिर हम अपनी अकाउंटिंग की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।